IBN आवाज न्यूज से। अभी मैं SP जन कॉलेज के तरफ जा रहा था, तभी भी रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, लेकिन जब वहां पहुंचने पे पता चला कि यहां पे स्टार ट्रैक्टर है, कैमरामैन से बोलूंगा कि यहां पे ट्रैक्टर के थोड़ा सा दिखाऊं, यहां पे स्टार ट्रैक्टर है, अभी पूरी तरह से ट्रैक्टर का चक्का घूम रहा है, लेकिन उस ट्रैक्टर पे ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर लापता है, जो कि स्टार्ट चलते ट्रैक्टर में ड्राइवर कूद के फंस गया। गाड़ी पे बालू लदी ट्रैक्टर थी, जो कि बिजली का तार तोड़ते हुए ये ट्रैक्टर जा करके पानी में नदी में गिर चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे कितने भी आदमी की मृत्यु हो सकती थी, और एक ट्रैक्टर कितने भी आदमी को रौंदते हुए जा सकता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ट्रैक्टर जो है अभी भी यहाँ पर गिरी हुई है, और गिर करके ट्रैक्टर जो है अभी स्टार्ट यहाँ पे पुलिस थाना हमरा तालाब के यहाँ पे कुछ पुलिस और प्रशासन यहाँ पे खड़ी है। अच्छा, आप ही थे जब ये गाड़ी यहाँ पे गिरी है, तो वहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी? हाँ, 15 से गाड़ी लगी हुई थी। हाँ, गाड़ी में इसी आया ना, लोग 8-10 लोग में आए, और चार्ज कर रहे थे, हम सिंगल आते रहे, उसमें आया और लेकर जबरदस्त से लेकर उसके बाद उन्होंने कहा कि 8-10 लोगों की भीड़ थी यहाँ पे, इनकी गश्ती गाड़ी आ रही थी, इनकी गश्ती गाड़ी को देखते हुए ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है कूद करके और भाग गया, और गाड़ी अभी भी स्टार्ट मुद्रा में है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी भी गाड़ी स्टार्ट मुद्रा में है, लेकिन किसी की जान नहीं गई है, लेकिन बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इसकी लापरवाही किसकी है, थाना की है या फिर गाड़ी वाले ट्रैक्टर की? आइए, यहाँ पे अभी एक पदाधिकारी ड्यूटी पे है, और मैं इनसे बात करना चाहूँगा है, आखिर एक कैसे घटना घटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रैक्टर कैसे गिरा उस पानी में? देखे कि नहीं देखे? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। हम तो अभी आया तो देखा कि ट्रैक्टर चालू हो गया, और देखा तो खुद का फाग गया ड्राइवर, भागा तक मैं गाड़ी चल दूँ दिया गाड़ी। तो नहीं, तो कैसे आप देखे, आप जैसे पीछे से थे या कि भी आगे से आ रहे थे? अच्छा, ट्रैक्टर के पीछे से आप आ रहे थे? जी हाँ, तब तो कुछ देरी के बाद आए, तो जैसे हम लोग को देखा ना वो गाड़ी तो कुछ क्यों ड्राइवर भाग गया। नहीं नहीं, तो आप बोले अभी कुछ देरी से आप बोल रहे हैं हम आए हैं, फिर बोले कि हम पीछे से आ रहे हैं। हाँ, पीछे से आ रहे थे, गाड़ी आगे मुझे था उसका। हाँ, और आप पीछे से थे और गाड़ी रोड पर से आ रही थी? मतलब गाड़ी खड़ी थी पहले? गाड़ी खड़ी थी, खड़ी थी, ड्राइवर स्टार्ट किया ना, हम लोग पीछे से आ रहे थे, हम लोग को डर से देखिए, जैसे देखिए भाग गया। अच्छा, ये मैं अपने दर्शक को बता दूं कि ये गाड़ी जो है खड़ी थी, पेट्रोलिंग गाड़ी आ रही थी इनके कहने के अनुसार, और जब ही इनको गाड़ी का ड्राइवर, ट्रैक्टर का ड्राइवर देखा और अपनी गाड़ी चलते गाड़ी हुए कूद गया। कितनी बड़ी यहाँ पे दुर्घटना हो सकती थी, यहाँ पे जो कॉलेज है यहाँ पे मतलब 2400 घंटा गाड़ी का रनवे आता जाता रहता है, लेकिन बिजली की तार तोड़ते हुए ट्रैक्टर जा करके खड्ढे में गिर चुकी है। अभी भी गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन खड़ी है, लेकिन प्रशासन की ये नहीं हो रहा है कि हम जा करके गाड़ी को बंद कर दें। मैं कैमरामैन टाइम को देखते हुए ये मैं बता दूं कि गाड़ी अभी भी बंद है, स्टार्ट है, लेकिन अभी तक गाड़ी की कोई स्टार्टर प्रॉब्लम बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी घटना का एक बहुत बड़ा संदेश है। आप भी तो देख रहे हैं, आप भी बंद कीजिए ना, प्रशासन आप ही तो जिम्मेदारी का नहीं है? नहीं, पत्रकार का जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन का जिम्मेदारी है सुरक्षा का, और एक बहुत बड़ी घटना टल गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार स्टार्टर ट्रैक्टर को एक बार और जूम करके दिखाएं। ये पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं होता है, कल्पना की जिम्मेदारी होता है। ड्राइवर कूद जाता है ट्रैक्टर छोड़ करके, ट्रैक्टर स्टार्ट रहती है, कहीं दुर्घटना जबरदस्त हो जाती है, आदमी मर जाते। कैमरामैन के साथ DK पांडे, IBN आवाज न्यूज एंड जनसंवाद टाइम्स।